नमस्कार दोस्तों, आओ सीखे चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं बेबी स्वेटर के सेकंड पार्ट को लेके हाजिर हूँ। तो हमने मुढ़े तक ये बना लिया है और देखिए मैंने एक आस्तीन बना लिया है। ये कुछ ऐसे आया है। तो आज मैं आस्तीन के फंदे कैसे सेट करेंगे इसे बताऊंगी। तो मैंने यहाँ से शुरू किया और ये डिवाइडर के 5 फंदों में डिवाइडर बना है। तो डिवाइडर के 2 फंदे फ्रंट के लिए और डिवाइडर के 2 फंदे आस्तीन के लिए लिए, और जो मेन हमारा डिवाइडर है उसको भी हमने आस्तीन में ले लिया है। तो यहाँ से यहाँ तक देखिए आस्तीन हो गया। और अब हम यहाँ से बैक पोर्शन से बुनना शुरू करेंगे। तो डिवाइडर के 5 फंदों में से 3 फंदे हमने आस्तीन के लिए ले लिया है और यहाँ पे अब हम अपना ऊन लगाएंगे और सभी फंदे सीधे बना लेंगे। तो हमने डिवाइडर के 5 फंदों में से 2 फंदे बैक पोर्शन में सीधे बुन लिए हैं और अब ये सेंटर फंदा है तो इसे सीधा बुनेंगे, फिर 3 फंदा उल्टा, 1 2 3 फंदा उल्टा, फिर 5 फंदा सीधा बुनेंगे, 1 2 3 4 5, और ये एज स्टिच है। और इन्हीं 8 फंदों को हमें पूरी लाइन में दोहराना है, 3 फंदा उल्टा और 5 फंदा सीधा। तीन फंदा उल्टा और 5 फंदा सीधा, तीन फंदा उल्टा और 5 फंदा सीधा। आस्तीन में ऊपर की तरफ हमने 6 फंदे रखे थे और ये 20 जाली इस साइड से और 20 जाली इस साइड से बनी है, यानी कि 40 फंदे बढ़ गए। और हमने डिवाइडर के 3 3 फंदे आस्तीन में ले लिए हैं, यानी 40 6 और 6 12, 40 और 12 52 फंदे हमारे आस्तीन में यहाँ पे हैं। और हमें डिज़ाइन को सेट करने के लिए 53 फंदे चाहिए, तो एक फंदा हम यहाँ पे बढ़ा लेंगे। हम 2 बार बुनेंगे तो एक फंदा बढ़ जाएगा और लास्ट फंदा एज स्टिच इसे सीधा बुन लेंगे। तो हमने पहला फंदा सीधा बुना है, ये एज स्टिच है, फिर 3 फंदा उल्टा, 5 फंदा सीधा, 3 फंदा उल्टा, 5 फंदा सीधा करते हुए सारे फंदे बुन लिए हैं। क्योंकि हमारे पास 52 फंदे थे इसलिए साइड में 2 ही फंदे आ रहे थे, एक फंदा हमने बढ़ा लिया तो साइड में भी 3 फंदा उल्टा और लास्ट फंदा सीधा हो गया। अब रॉन्ग साइड से जो फंदे सीधे हैं, पहला फंदा एज स्टिच है, इसे स्लिप कर लेंगे सीधा, ये हमने 3 फंदा उल्टा बुना था तो ये 3 फंदा सीधा हो जाएगा, 5 फंदा सीधा था तो रॉन्ग साइड से 5 फंदा उल्टा। फिर 3 फंदा सीधा और 5 फंदा उल्टा। तीन फंदा सीधा और 5 फंदा उल्टा। तीन फंदा सीधा, 5 फंदा उल्टा बुनते हुए पूरी लाइन कंप्लीट कर लिया है। लास्ट में 4 फंदे हैं तो 3 फंदा सीधा और लास्ट फंदा एज स्टिच है, इसे हम उल्टा बना लेंगे।
अब हम यहाँ पे अपना डिज़ाइन बनाएंगे। तो पहला फंदा एज स्टिच है, इसे स्लिप कर लेंगे, तीन फंदा उल्टा बुनेंगे और फिर उन दूसरी ओर करेंगे। दो फंदों को हम एक साथ लेंगे और दो का एक कर लेंगे सीधा बुनते हुए। यहाँ पे एक फंदा घट गया इसलिए उन अपनी ओर करेंगे, अगले फंदे में जाली देते हुए सीधा बनाएंगे। फिर उन अपनी ओर करेंगे, दो फंदों को एक साथ लेंगे, एक और दो, और बैक लूप से एक सीधा फंदा बना लेंगे। तो ये हमारे पांच फंदे डिज़ाइन के हो गए। फिर तीन फंदा उल्टा, तीन फंदा उल्टा बुनने के बाद फिर हमें इन पांच फंदों में डिज़ाइन डालना है। तो दो फंदे को हम एक साथ लेंगे और एक सीधा फंदा बना लेंगे। फिर उन अपनी ओर करेंगे, अगले फंदे को जाली देते हुए सीधा बनाएंगे। फिर उन अपनी ओर करेंगे और दो फंदे को एक साथ लेंगे, ये एक और दो, और बैक लूप से एक सीधा फंदा बना लेंगे। तो ये हमारा डिज़ाइन सेट हो गया। फिर तीन फंदे उल्टा, फिर यहाँ पांच फंदों में डिज़ाइन बनाना है। तो दो फंदों को एक साथ लेंगे, एक सीधा फंदा बनाएंगे, उन अपनी ओर करेंगे, अगले फंदे को जाली देते हुए सीधा बनाएंगे। फिर उन अपनी ओर करेंगे, दो फंदों को एक साथ लेंगे, बैक लूप से एक सीधा फंदा बना लेंगे। फिर तीन फंदा उल्टा, यहाँ पे हमें पांच फंदों में डिज़ाइन डालना है। तो दो फंदों को हम एक साथ लेंगे और एक सीधा फंदा बनाएंगे। फिर उन अपनी ओर करेंगे, अगले फंदे को जाली देते हुए सीधा बना लिया। फिर उन अपनी ओर करेंगे, दूसरे वाले फंदे को सीधा करेंगे, अगला फंदा को लेंगे और दोनों को एक साथ लेते हुए बैक लूप से एक सीधा फंदा बना लेंगे। तो ये हमारे पांच फंदे डिज़ाइन के हो गए। फिर तीन फंदा उल्टा, तो पूरी लाइन में हमें यही दोहराना है। दो फंदे को एक करना है, एक उन अपनी ओर लेना है, अगला फंदा जाली देते हुए सीधा, फिर उन अपनी ओर लेना है, दो फंदों को एक साथ लेना है और जाली देते हुए दो का एक कर लेना है। रॉन्ग साइड से हमेशा हम दूसरी लाइन को ही दोहराएंगे, यानी पहला फंदा स्लिप कर लेंगे, तीन फंदा सीधा, पांच फंदा उल्टा। पहला फंदा एज स्टिच है और इन्हीं आठ फंदों को पूरी लाइन में दोहराएंगे। देखिए हमारा डिज़ाइन सेट हो गया है। अब इन्हीं चारों लाइनों को हमें दोहराते जाना है। पहला फंदा स्लिप करना है, तीन फंदा उल्टा, फिर पांच फंदा सीधा, तीन फंदा उल्टा, पांच फंदा सीधा। रॉन्ग साइड से हमेशा दूसरी लाइन को ही दोहराना है, यानी कि पहला फंदा स्लिप कर लेना है, फिर तीन फंदा सीधा, पांच फंदा उल्टा, तीन फंदा सीधा, पांच फंदा उल्टा, इसी तरह पूरी लाइन कंप्लीट कर लेना है। फिर इस लाइन में डिज़ाइन पड़ेगा, तो ध्यान से देखिएगा। पहला फंदा स्लिप कर लेंगे, तीन फंदा उल्टा बुनेंगे, फिर उन दूसरी ओर करेंगे, दो फंदे को एक साथ लेंगे और सीधा बुनते हुए दो का एक कर लेंगे। फिर उन अपनी ओर करेंगे, अगला फंदा जाली देते हुए सीधा, फिर उन अपनी ओर करेंगे, दो फंदों को एक साथ लेंगे और बैक लूप से एक सीधा फंदा, ये उन अपनी ओर है यानी जाली देते हुए सीधा बुन लेंगे। तो हमारा ये देखिए पांच का पांच फंदा हो गया। तीन फंदा उल्टा, दो फंदों को एक साथ लेंगे और दो का एक कर देंगे सीधा बुनते हुए, फिर उन अपनी ओर करेंगे, अगला फंदा जाली देते हुए सीधा, फिर उन अपनी ओर करेंगे और दो फंदों को एक साथ लेंगे और बैक लूप से एक सीधा फंदा बना लेंगे। अगले तीन फंदे उल्टे। तो देखिए फ्रेंड्स, छः डिज़ाइन सेट हुआ है, एक दो तीन चार पाँच छः, और ये तीन डिज़ाइन बन गया है। तो ऐसे ही हमें नौ डिज़ाइन बनाना है, उसके बाद हमें हम फंदे घटाना शुरू करेंगे। तो पहले हम नौ डिज़ाइन बना लेते हैं, तीन बन गया है और छः और बनाना है। देखिए फ्रेंड्स, नौ डिज़ाइन कंप्लीट हो गया है, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ और नौ।
नौ डिज़ाइन कंप्लीट हो गया है और इस समय इसकी लंबाई है 10 सेंटीमीटर। तो 10 सेंटीमीटर बनाने के बाद, या कहिए 9 डिज़ाइन बनाने के बाद, अब हम फंदा घटाना शुरू कर देंगे। तो पहला फंदा एज स्टिच है, इसे स्लिप कर लेंगे, ऊन अपनी ओर करेंगे, दो फंदा एक साथ लेंगे, यहाँ पे दो का एक कर दिया, एक फंदा हमने घटा लिया। अगला फंदा उल्टा है, इसे उल्टा बुनेंगे, फिर 5 फंदा सीधा। फिर 3 फंदा उल्टा, तो इन्हीं 8 फंदों को हमें पूरी लाइन में दोहराते हुए लास्ट में हम आ जाएंगे। अब लास्ट के 4 फंदे बचे हुए हैं, तो पहला फंदा हम उल्टा बुन लेंगे और अब इन 2 फंदों को एक साथ लेके उल्टा बुनेंगे, तो हमारा एक फंदा घट जाएगा और लास्ट फंदा एज स्टिच है उसे हम सीधा बुनेंगे। और रॉन्ग साइड से पहला फंदा स्लिप करेंगे, 2 फंदा सीधा बुनेंगे और फिर 5 फंदा उल्टा और 3 फंदा सीधा, या जो सीधा दिखाई दे रहा है उसे सीधा बुनेंगे, जो उल्टा दिखाई दे रहा है उसे उल्टा बुनेंगे। ऊपर की तरफ 53 फंदे थे, तो हमें हर 7वीं लाइन में फंदे दोनों साइड में घटाने हैं। देखिए हमने यहाँ पे फंदे घटाया था, तो ये 1, 2, 3, 4, 5 और 6 लाइन कंप्लीट हो गया है और अब ये 7वां लाइन है। तो पहला फंदा स्लिप कर लेंगे, 2 फंदे को एक साथ लेंगे और दोनों को एक साथ लेते हुए उल्टा बना लेंगे, एक फंदा घट गया। अब उन दूसरी ओर करेंगे और अपने डिज़ाइन को कंटिन्यू रखेंगे और फिर लास्ट में भी ऐसे ही 2 फंदों को एक साथ लेंगे और एक फंदा घटा लेंगे। तो हमें हर 7वीं सिलाई में दोनों साइड से एक एक फंदे घटाने हैं। तो ऊपर की तरफ 53 फंदे था और हर 7वीं लाइन में हम दोनों साइड से एक एक फंदे घटाएंगे, तो ऐसा हम 6 बार करेंगे। तो एक साइड से 6 फंदे घट जाएंगे और दूसरी साइड से 6 फंदे घट जाएंगे, यानी 12 फंदे घट जाएंगे। अब हम दूसरी तरफ आ गए हैं, तो ऊन अपनी ओर करेंगे, 2 फंदों को एक साथ लेंगे और दोनों को एक साथ लेते हुए एक उल्टा फंदा बनाएंगे और लास्ट फंदा सीधा, यहाँ पे एक फंदा घट गया। तो इसी तरह हर 7वीं सिलाई में हम दोनों साइड से एक एक फंदा घटाते हुए कुल 12 फंदे घटा लेंगे। तो ऊपर की तरफ 53 फंदे थे और दोनों साइड से 6-6 12 फंदे घटाने से, यानी दोनों साइड से हमने 6-6 फंदे घटाए, तो नीचे की तरफ 41 फंदे आ जाएंगे और ये डिज़ाइन हो जाएगा 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 और 17, ये 17 डिज़ाइन बन जाएगा। 17 डिज़ाइन बनाने के बाद हम 7 लाइन सीधा सीधा बुने, आगे से भी सीधा और पीछे से भी सीधा। 8वीं लाइन में हम सभी फंदे क्लोज कर लेंगे, तो हमारा आस्तीन बन के तैयार हो जाएगा। और एक बात बतानी थी कि जाली बनाने के बाद हम 10 लाइन कंप्लीट करेंगे। देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 और 11वीं लाइन में हम वापस बटन होल बनाएंगे। तो हर 11वीं लाइन में हमें बटन होल बनाना है। तो फिर आप आस्तीन कंप्लीट कीजिए, नेक्स्ट वीडियो में हम फिर मिलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।